वेलकम टू माई चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी जो हम खाने के साथ अक्सर खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे चपाती के साथ, दाल के साथ खाने में मज़ा आने वाला प्याज का सलाद। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, ये छोटे आकार के हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका छिलका उतारकर इनको अच्छे से धोकर पतले आकार में, लंबे आकार में काट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से इनके छिलके उतारकर इनको धोकर पतला पतला लंबे आकार में काट लिया है। अब इसका हम सलाद तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया है जिसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर जिससे खट्टा बन आएगा। अब इन मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज में मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा चटपटा और खट्टा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के नींबू लिए हैं। आप सिरके का भी यूज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर नींबू का रस डालूंगी। अब इनको काट कर इसमें निचोड़ लेते हैं। अब इसमें नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ पर नींबू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सलाद खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। सब्जी से ज़्यादा हम आप एक बार खाओगे तो सब्जी से ज़्यादा आपको पराठों के साथ अच्छा लगेगा। अब लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे जो दिखने में और इसके प्याज के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा झटपट से सलाद बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, खाने के साथ बहुत टेस्टी लगता है, खाने के टेस्ट को दुगना बना देता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।